अरे मैं उतर गई और गाड़ी बंद ही नहीं की और मैं जा रही हूँ मनीषा के साथ ये चेकअप कराने के लिए। आज हम लोग आए हैं चेकअप पर। हाँ आ जाओ, चला नहीं जा रहा है। इधर ही पहुंच चुके हैं डॉक्टर लालपत लैब्स, यहाँ पर टेस्ट करवाने। पुश पुश मतलब धक्का दे दो। कोई है ही नहीं। जब यहाँ पर लालपत लैब्स हो चुका है बंद, और यहाँ पे है ही नहीं कहीं है। नहीं, संडे को बंद, संडे को जितना भी लालपत लैब है पूरे इंडिया में 1 बजे के बाद बंद हो जाता है। सुबह ही आना चाहिए। इनवाइल ये देखो गाइस, डॉग्स कैसे यहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं बेचारे, छोटे छोटे पप्पी। इधर है गाड़ी, इधर कहाँ जा रहे हैं, कूड़ा है, सीढ़ी है ना। अच्छा इधर से आए थे। खाली वीडियो बनाओ तेरी। हाँ वीडियो तो बना रहे हैं, आएंगे वो तो गाइस। हमको क्या मिल, क्या हुआ मनीषा, क्या बोलने वाले थे हम? हाँ क्या बोले, सब बंद है ना, फिर अभी हम लोग अपनी सोसाइटी की तरफ आए। हाँ कहाँ है यार मेट्रोपोलिस, वो भी बंद है क्या? नाम बताओ ना। मेट्रोपोलिस कौन सा है? रुको देख रहे हैं। उस दे। मेट्रो लिखा तो है लेकिन है कहाँ, कौन सा है? अरे वो क्या लिखा है मेट्रो, तो लिखा तो है किधर? निकल गए लेकिन सचिन भाई को पता। अच्छा उधर है, उधर देखे बतिया रहे कि वीडियो शूट कर रहे हैं। अरे मुझे लगा उधर से ही जाना है। देख रहे मजाक उड़ा रहे मनीषा, देख लो या तो है। आ गए हैं ब्लड टेस्ट कराने, यहाँ कुछ पार्टी वगैरह भी है, मुझे पता भी नहीं। तो परेशान हो गई अपना खून दे दे करके। सही बात है, मैं जब भी ब्लड निकलता है जान निकल जाता है ना भाई साहब। KFC में नया चीज लॉन्च हो गया, आपको जाना भी है ना। खाना बनाया वो नहीं खाएंगे तुम? क्यों खाना बचाने के चक्कर में, वो खाएंगे भाई। गजब तुम बचाती हो, मतलब आप KFC का भी नाम ले रहे हैं। तो KFC वो रास्ते के लिए बेबी जी। हेलो सर, TLC को हॉस्पिटल का हाथी की बर्फ है, बहुत ही इतना ठंडा है, करंट लग गए। एक और लगेगा क्या? दर्द होता है ब्लड टेस्ट में तो बेटा, दर्द नहीं होता है ब्लड तो निकालते हैं। हाँ तो वो तो बांध देते हैं, सुन हो जाता है वैसे ही नस। आपको पता है हमको बहुत करवाए हैं क्या भैया है? सही बात है ना, ये सोच रही है कि हमें नहीं पता। नहीं आपको आप नस में जब होता है ना, चाहे इंजेक्शन चढ़ने वाला बस दर्द होगा। नहीं नहीं वो वाला दर्द नहीं, जैसे कि अगर वैसे भूख डालते हैं तो बहुत तेज पेन होता है, और जब डालते हैं तब होता है, छनछनाहट थोड़ा सा होता है वो। हाँ वही चीज, लेकिन तुम लेडीज लोग को ऐसे ज्यादा होता है, इंजेक्शन से बहुत ज्यादा डर लगता है हमको, वो देख के डर लगता है। मैं कभी सोचती हूं अगर कोई ऐसे खड़ा उसके ऊपर ऐसे भोंक दो तो क्या हाल। वो चीज अलग है, ये चीज अलग है, बहुत ज्यादा सोच लेती है। सुई की तरह रहता है, सुई चुभे तो कितना पेन होता है सोच लो। B12 क्या टेस्ट के क्या चार्ज है? ठीक है, क्या बोलते आना रहेगा तो आ जाएंगे। ठीक है ठीक।
और अगर मेल करना हो तो नंबर दे दीजिए, हम मेल बता रहे आपको कॉल कर लेंगे। तो गाइस जैसे बिल्कुल जैसे लग रहा है चला ही नहीं जा रहा, इतना टाइम ही चले हुआ है ना। सिलवाती हो? नहीं यहाँ सिलवाएंगे, तो मैं बोले यहीं सिलवा लेना ला के, क्योंकि हमारे यहाँ देखिए कपड़ा तुम दे देना हम थोड़ा सिलवा देंगे। और मेरा ब्लड निकल गया, रिपोर्ट रात में आएगा, और नहीं तो फिर वो मेल कर देंगे। अभी जाएंगे ना 25 तारीख को तो लेके आएंगे, ठीक है ना। हाँ तब ले आना, तो फिर हम 25 को आओगी लेकर के ना। हाँ तो तब तक तुम दे देना, जब जाएंगे हॉस्पिटल तब दे देंगे। अरे वंदना दी आएंगे ना उनसे, फिर यहीं पे आएंगी ना, गड़िया तो यहीं से लेकर जाएंगी, फिर उनको दे देंगे वो ले जाएंगी। सुबह हो गया है दोस्तों, और कल आप लोगों ने देखा मुझे इंजेक्शन लग गया, मेरा रिपोर्ट आ गया है। रिपोर्ट में मैंने मैम को व्हाट्सअप कर दिया है, और वो भी रिप्लाई नहीं दी है। जैसे ही वो रिप्लाई देती हैं फिर उसको आप लोगों को बताएंगे। यहाँ से मुझसे बोला नहीं जा रहा है, और मुझे तैयार होना है। आप लोग ये मत कमेंट करिएगा कि ऐसे हाल में हो, लेकिन तैयार ज़रूर होती है, इसके लिए ज़रूर आता है जब मैं तैयार होती हूँ तो। बोलने दो, तुम्हारा काम है, प्रोफेशन है तुम्हारा, कुछ कोलेब्रेशन की साड़ियाँ किट्टू को आई हैं तो उसकी वीडियोस बनानी है, तो उसके लिए तैयार होना जरूरी है। और नहीं बनाएंगे फिर रखा रह जाएगा, और ये ठंडी का है तो ठंडी का चला जाएगा तो कौन पहनेगा, कौन बेचारी का लेगा, इसीलिए मुझे बनाना ही पड़ेगा जी। सबको बेबी हो गया, कल हम जानते हो हम जितनी बार उठ रहे थे मेरे दिमाग में उसका यही चला था, हे भगवान मुझे भी दे दो जल्दी से, चले हम कहाँ चले, हम खाली हो गए, क्योंकि रात में बहुत दिक्कत होता है ना सोने में उठने में, दिन में उतना नहीं होता है लेकिन रात में बहुत। कल मनीषा के साथ गए थे, वो तो वहाँ से पैदल आए ना डॉक्टर जी के पब्लिक, वहाँ से मेरे से ना बिल्कुल चला ही नहीं जा रहा था, मनीषा मेरा हाथ पकड़ रही थी कि चलो चल पकड़ पकड़ के चलते हैं, एकदम नहीं चला जा रहा था। तो बोल रही थी कि लास्ट मंथ है ना इसीलिए ऐसा हो रहा है, तो मैं ज़्यादा कुछ वैसा तैयार नहीं होंगे, बस सिंपल ही तैयार होंगे दोस्तों। लेकिन आज हम रेड बिंदी लगाएंगे, पढ़ा बतिया रही का रही तैयार हो रही है ये ब्लैक ड्रेस में, आज ब्लैक साड़ी में आज पहनने में बहुत दिक्कत हो रही है, पहन नहीं पा रही। उनके मम्मी को बोले मम्मी देखो कुछ मदद हो सकता है। ठीक है फिर, कंफर्टेबल क्या हटाए, चिपका है तो बहुत चिपका हुआ है, एक नहीं बहुत ज्यादा चिपका है। ये यहाँ पे जा रहे हैं, और मेरा ये जो टेस्ट हुआ था पता नहीं कहाँ रख दिए, पता नहीं कहाँ रख दिए, दिखाई नहीं दे रहा है, तो मैं आप लोग को अपना पूरा फुल लुक दिखाती हूँ। ये देखिए बहुत ही प्यारी साड़ी लग रही है गाइज, अगर आप लोग को लेना रहेगा तो हमारे इंस्टाग्राम पेज को जरूर चेक करिए। और ये जो मंगलसूत्र है आप लोग देख रहे हैं, एक मिनट इसमें नहीं दिख रहा है सही से, ये प्यारा सा मुझे मेरे पतिदेव ने मुझे एनिवर्सरी पे दिया, ये मुड़ जा रहा है, कोई नहीं ये मुड़ जा रहा है पता नहीं कैसे, और मैं इसको चेंज कर दी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है। तो कमेंट करके आप लोग भी बताइएगा कैसा है कैसा नहीं है, और उसके बाद इनके इंस्टाग्राम पर तो इसकी आई डी मैंने डाल ही दिया है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमारी मम्मी और सासू माँ दोनों लोग, ऐसे सासू माँ के लिए नहीं जा पाती थी तो अब दोनों लोग चली जाती हैं, सही है, अपना धूप लेने चली जाती हैं, वहाँ पे बैठी है वो आंटी बैठी है, आपको दिखाई ये वाली आंटी से इन लोग ज़्यादा पड़ता है, तो दोनों समधन निकल जाती हैं अपना घूमने फिरने, देख ली तो चली जाती हैं।